चीन के हंगजू शहर में। यही वो शहर है जो गवाह बनने वाला है तीन महाशक्तियों के मिलन का। नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा और शी जिनपिंग G20 समिट में यही मिलने वाले हैं। G20 समिट से ठीक पहले इन तीनों देशों के बीच साउथ चाइना सी को लेकर जो तनातनी हुई है, उसके चलते ये समिट बेहद अहम हो गई है। इसी के चलते इन तीनों के बीच क्या बातचीत होती है, इस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ओबामा, सबसे बड़े लोकतंत्र का महानायक मोदी, सबसे बड़ी आबादी का मुखिया शी जिनपिंग, G20 समिट में होगी महामुलाकात। G20 समिट तो पहले भी बहुत हुए, G20 देशों के मुखिया तो पहले भी बहुत बार मिले, लेकिन इस बार का G20 बेहद सनसनीखेज होने जा रहा है। सारी दुनिया दम साधे चीन के हांगशू शहर की तरफ ताक रही है। दरअसल इस बार के G20 समिट के अहम होने की कई वजह है, लेकिन सबसे खास वजह है बीते चंद महीनों से चीन के रिश्ते भारत और अमेरिका दोनों देशों के साथ बहुत तेजी से बिगड़े हैं, और इसकी एक नहीं कई वजह हैं। और सबसे बड़ी वजह है साउथ चाइना सी में चीन का बनाया ये कृत्रिम द्वीप। दरअसल अमेरिका, भारत समेत आधी से ज्यादा दुनिया चीन की इस हरकत पर खफा है, क्योंकि चीन ने रातों रात ये द्वीप बनाकर साउथ चाइना सी पर अपना दावा ठोक दिया है। इसे लेकर फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट गया और वहां से फैसला चीन के खिलाफ आया। बावजूद इसके चीन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, उल्टे कृत्रिम द्वीप पर अपना फौजी बेस बना डाला और साउथ चाइना सी उबलने लगा। अमेरिका लगातार चीन के इलाके में शांति बनाए रखने के लिए साउथ चाइना सी से कब्जा छोड़ने की अपील करता रहा, जिसे चीन ने बड़े ही दुस्साहसिक ढंग से ठुकरा दिया। इसी के बाद हालात बदले और अमेरिका और भारत चीन को घेरने लगे। भारत और अमेरिका दोनों देशों ने वियतनाम और चीन के बाकी पड़ोसी मुल्कों से सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत चीन के धुर विरोधी वियतनाम को हथियार बेचने पर राजी हो गया। प्राइम मिनिस्टर एंड आई हैव देयरफॉर एग्रीड टू डीपन अवर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स टू एडवांस अवर कॉमन इंटरेस्ट। द एग्रीमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन of offshore patrol boats signed earlier today is one of the steps to give concrete shape to our defense engagement. अमेरिका ने भी साउथ चाइना सी में पहले अपनी नेवी उतारी और फिर अपने B-2 बॉम्बर जैसे परमाणु हथियारों से लैस खतरनाक जंगी विमान उतार दिए। उम्मीद थी कि इससे चीन हालातों को समझेगा, लेकिन चीन ने अपनी नेवी साउथ चाइना सी में उतार दी। इससे अमेरिका और भारत के साथ चीन के रिश्तों में और भी ज्यादा खटास आ गई। रही सही कसर चीन ने रूस के साथ साउथ चाइना सी में रूस के युद्धाभ्यास कर पूरी कर दी। इस युद्धाभ्यास को अमेरिका और भारत समेत सारी दुनिया ने बतौर धमकी देखा और चीन के साथ दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव आ गया। इसी तनाव के बीच अब हांगचू में मोदी, ओबामा और शी जिनपिंग मुलाकात करने जा रहे हैं, इसलिए ये जी समिट बेहद अहम साबित होने जा रही है। इस सारे बवाल की जड़ साउथ चाइना समुद्र के नीचे दफन है। दरअसल समंदर के इस हिस्से के नीचे बड़ी तादाद में नेचुरल गैस और खनिज तेल का विशाल भंडार है। इस भंडार पर चीन कब्जा करना चाहता है और इसलिए वो जंग पर उतारू है। इसके अलावा भारत और अमेरिका चीन से इसलिए भी नाराज है कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की NSG में स्थायी सदस्य के लिए भारत का समर्थन किया था, लेकिन चीन ने वीटो कर भारत की कोशिशों पर पानी फेर दिया।
जाहिर है हिंदुस्तान के लिए एनएसजी की सदस्यता बेहद अहम थी और भारत और अमेरिका दोनों इस बात को लेकर चीन से काफी खफा है। जाहिर है तीनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है और इस तनाव भरे माहौल में जब तीन महानायक आपस में मिलेंगे तो यकीनन कुछ न कुछ अहम तो होगा ही। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस वक्त दम साधे G20 समिट की तरफ देख रही है। चीन से सुरेंद्र रावत के साथ दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज। साउथ चाइना सी के अलावा चीन के लिए एक अहम मुद्दा है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के आजादी की मांग का समर्थन कर नरेंद्र मोदी ने चीन की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल चीन ग्वादर में अरबों का निवेश करके एक बंदरगाह बना रहा है। अगर बलूचिस्तान में आजादी का आंदोलन तेज होता है तो फिर ऐसे में चीन की मुसीबत बढ़ सकती है। उसे डर है कि कहीं बलूचिस्तान उसके हाथ से न निकल जाए और उसके अरबों का निवेश कहीं डूब न जाए। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। G20 समिट से एन पहले पीएम मोदी की इस हुंकार ने बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे संगठनों में जैसे नई जान फूंक दी और जीन तड़प कर रह गया। मोदी के साथ के बाद बलूचिस्तान के लोग अब किसी भी कीमत पर अपने बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं और इसलिए चीन को तश्तरी में रखकर ग्वादर पोर्ट सौंपने वाले पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों की आवाज एक हो गई। हमारा मकसद बलोच कौम की आजादी है, पंजाबी तसल्लुत से छुटकारा हासिल करना और बलोच कौम के लिए एक खुशहाल जिंदगी है जिसमें अमन, इंसाफ और बराबरी हो। हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। अब हमें जबरदस्ती क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहे और बना के हमारे वसाइल को लूटना चाहता है? तो यहाँ हम उसके इदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जितने भी उसके इंतजामी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, कोई और इदारे हैं, जो इस लूटमार में उसको तकवीयत दे रहे हैं, जो उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, हम उनको कमजोर कर रहे हैं। इन बलूचों का गुस्सा कभी भी फट सकता है क्योंकि बीते करीब 7 दशकों से पाक फौज इन पर जुल्म कर रही है। इन पर फाइटर प्लेन से बम बरसाए जा रहे हैं और वजह सिर्फ इतनी कि वो आजाद मुल्क थे और पहले दिन से कोई एक भी बलूच नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान का हिस्सा हो। इन बलूचों का गुस्सा पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी बड़ी मुसीबत है। दरअसल चीन अरबों रुपए की लागत से ग्वादर पोर्ट का काम करीब करीब पूरा कर चुका है। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में है और अगर वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बगावत यूं ही जारी रही तो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल चीन करेगा कैसे? लिहाजा चीन G20 समिट में बलूचिस्तान का मुद्दा उठा सकता है। हमारे हाथों से ज्यादा पंजाबी के हाथ में, पंजाबी आर्मी के हाथ में कि वो उसको किस तरफ ले जाना चाहता है। वो ज्यादा बलोच पे प्रेशर डालेगा, वो ज्यादा दबाने की कोशिश करेगा, हम ज्यादा उभरेंगे। वो ज्यादा बेरहमी करेगा, वो औरतों बच्चों को मारेगा, फिर हमें भी मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। वो बेगुनाह बलोचों को मार रहा है, फिर हम भी मजबूर होंगे, कहीं ना कहीं जाके हम भी मजबूर होंगे। चीन की बेचैनी इसलिए बड़ी है क्योंकि पीएम मोदी और भारत सरकार अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव कर चुकी है। सरकार ने तय कर लिया है कि बलूचिस्तान का मुद्दा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार उठाएगा। दुनिया भर में मौजूद बलूच मोदी की पहल का स्वागत कर रहे हैं और दुनिया भर में बलूचिस्तान के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लंदन में जब चीनी दूतावास के सामने जब बलूचों ने प्रदर्शन किया तो बलूचों के आंदोलन की तपिश बीजिंग में साफ साफ महसूस की गई। लिहाजा चीन मोदी से बलूचिस्तान के मुद्दे पर नरम रुख की उम्मीद जरूर करेगा, लेकिन बलूचिस्तान के लोग जिस तरह से भारत की पहल पर भरोसा जता रहे हैं, चीन की उम्मीद का टूटना भी तय है। रिसेंटली द स्टेटमेंट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन वेरी हाई लेवल ऑल पार्टीज मीटिंग इज वेरी इनकरेजिंग। आई थैंक द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी साहेब फॉर स्पीकिंग अबाउट बलूचिस्तान प्रॉब्लम।
I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation, and we hope that the Indian government, Indian media, and whole Indian nation will not only raise their voices for Baloch nation, but also strive to help practically the Baloch independence movement. बलूचिस्तान की आजादी के लिए एक तबका वो है जिसने हथियार उठा लिए हैं। ये वो विद्रोही हैं जो पाकिस्तान के जुल्मों से आजीज आ चुके हैं और हुक्मरानों की नीयत को अच्छे से पहचानते हैं। इनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी, लश्कर ए बलूचिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट जैसे संगठन शामिल हैं जो हथियार के दम पर अब बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं और अब इनको नई उम्मीद दिख रही है जो पाकिस्तान के फिर से टुकड़े कर सकती है, क्योंकि ये वो तबका है जो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के कानून को नहीं मानता। पाकिस्तान का दो टुकड़ों में बंटना चीन के लिए बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि ग्वादर पोर्ट के जरिए हिंद महासागर में दबदबा जमाने का उसका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। Balochistan was forcefully occupied, annexed by the Pakistan forces. It wasn't part of Pakistan in 1948. So Pakistani army rolled in Balochistan. Somehow under duress, and the Khan of Kalat, who was the head of Balochistan, had to sign an accession treaty. आजादी को लेकर इन्होंने 1948 से जंग छेड़ रखी है जो अब तक जारी है। हालांकि बलूचिस्तान 2006 के बाद बहुत तेजी से सुलगने लगा था। पाकिस्तान की गुलामी को लेकर बलूच किस कदर खफा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बलूचों ने परवेज मुशर्रफ तक पर रॉकेट से हमला कर दिया था। यह आंदोलन अब और जोर पकड़ेगा क्योंकि भारत जैसा बड़ा देश खुलकर बलूचों के साथ खड़ा हो गया है और चीन इस बात से वाकई परेशान है। ये गुस्सा, ये आग इन लोगों में सिर्फ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने पहले जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया और अब उन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही बलूचिस्तान में मौजूद खरबों रुपए कीमत के प्राकृतिक संसाधनों पर भी चीन जबरन कब्जा करना चाहता है, लेकिन चीन और चीन के इस सपने के बीच ओबामा और मोदी आकर खड़े हो गए हैं। चीन के हांगजू से कैमरा पर्सन सुरेंद्र रावत के साथ दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज। चीन के लिए परेशानी का सबब बन गया है भारत का बदला हुआ अंदाज। भारत ने पहले लद्दाख में टैंकों की बटालियन तैनात की और उसके बाद मेघालय में 100 ब्रह्मोस मिसाइलें लगा दी। ऐसे में चीन चिंता में पड़ गया है कि भारत ने यह आक्रामक रुख क्यों अपनाया, क्योंकि चीन इससे पहले एक साथ कई मोर्चे दुनिया भर में खोल चुका है। ताकत देख सहमा सारा चीन, पूरा पाकिस्तान। अब सरहद पर होगा ब्रह्मोस से चीन का सामना। भारत चीन बॉर्डर पर तैनात होंगे 100 ब्रह्मोस। दुनिया के तीन महाशक्तियां मिलने हांगझू में मुलाकात करने जा रही हैं और इस मुलाकात से पहले सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई है तो वो है चीन। दरअसल चीन हिंदुस्तान की ताकत के साथ साथ पीएम मोदी के उस फैसले से भी बेचैन है जिसके तहत पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को तैनात करने की मंजूरी दे दी है। भारत अपनी चौथी ब्रह्मोस मिसाइल उस फैसले से भी बेचैन है जिसके तहत पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को तैनात करने की मंजूरी दे दी है। भारत अपनी चौथी ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीन के खिलाफ तैनात करने जा रहा है। इस मिसाइल की मारक क्षमता, इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और ये सुपरसोनिक
क्रूज मिसाइल, जबकि एक रेजिमेंट में 100 ब्रह्मोस मिसाइलें, 5 मोबाइल ऑटोनोमस मोबाइल कमांड पोस्ट शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से चीन वाकिफ है, इसलिए परेशान भी है। एनिमेशन के जरिए देखिए सरहद पर किस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल कैसे चंद मिनटों में दुश्मन की हेकड़ी निकाल सकती है। इन मिसाइलों की तैनाती से साफ है कि भारत को अब चीन की कोई फिक्र नहीं। चीन ने अरुणाचल में ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती पर ऐतराज जताया तो भारत ने दो टूक कह दिया, मिसाइल हमारी है और हम तय करेंगे कि उसे कहां तैनात करना है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे भी डिप्लॉय कहे गए हैं एंड वी वांट टू गिव द, हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे तीनों दल बिल्कुल सतर्क है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है और हम कॉन्फिडेंट है वी कैन गार्ड अवर बॉर्डर्स। बस चीन इसलिए परेशान है क्योंकि हिंदुस्तान ने चीन की बेजा हरकतों की वजह से उसे चारों तरफ से घेर लिया है। पीएम मोदी की मंजूरी के बाद ऐसा इंतजाम कर दिया गया कि चीन अपने हद नहीं लांघे। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में मिसाइल तैनाती के साथ साथ करीब 15,000 फीट ऊपर लद्दाख में 100 भीष्म टैंक भी तैनात कर दिए हैं। स्वदेशी भीष्म टैंकों की तैनाती ने चीन को और बेचैन कर डाला है। पंद्रह हजार फीट ऊपर लेह लद्दाख की वो तस्वीरें हैं जिसे इस बात की गारंटी माना जाता है कि इस सरहद पर चीन अब घुसपैठ करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भारत टीपू सुल्तान, महाराणा प्रताप और औरंगजेब जैसी भारतीय सेना की टैंक यूनिट तैनात कर चुका है जो दुश्मन की हर हरकत पर पैनी निगाह रखेंगी और चीनी सैनिकों ने जरा भी गड़बड़ की तो उसे फौरन इसका जवाब मिलेगा। 15,000 फीट ऊपर -45 डिग्री तापमान में टैंकों की तैनाती कोई आसान काम नहीं है, लेकिन चीन ने सारे हदें लांघ दी थी, लिहाजा हिंदुस्तान को ऐसी तैयारी करनी पड़ी। T-72 टैंक ये रशियन ऑरिजिन का है और इसको मैंने श्रीलंका में 1987 में इस्तेमाल किया था और तब से ये बड़ा कारगर है। हमको वहाँ पर LTTE के खिलाफ जो मैंने इसको इस्तेमाल किया था तो बड़ा कारगर था। ये अच्छे टैंक में है और ये मैं समझता हूँ कि जो चीन के पास जितने टैंक हैं उनके बराबरी का है। पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन को T-72 टैंक मिनट से पहले ही खाक कर देता है और तो और दुश्मन के दागे गए गोलों का भी इस पर असर नहीं होता। T-72 टैंक में दो तोप लगाई गई हैं, इसकी तोप प्लेन तक उड़ा सकती हैं। ऑटोमेटिक लोडर सिस्टम लगा है, रात में मिशन अंजाम देने में यह सक्षम है। सुरक्षा कम्युनिकेशन की नई तकनीक का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। हिंदुस्तान का रुख देश की सरहदों की हिफाजत को लेकर एकदम साफ है, लिहाजा दुनिया भर की निगाहें G20 में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर हैं, जो इतनी अदावत के बीच भी चीन में होने वाली है। चीन के हांगझू से कैमरा पर्सन सुरेंद्र रावत के साथ दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज। बात होगी तो इस बात पर भी होगी कि क्यों भारत और अमेरिका मिलकर एशिया में चीन की दादागिरी को खत्म करना चाहते हैं। दरअसल भारत और अमेरिका जैसे देशों की शह पर ही वियतनाम जैसे देश चीन को आंखें दिखा रहे हैं और भारत इन्हें ब्रह्मोस मिसाइलें देकर उनका हौसला बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी में ड्रैगन किस तरह से दादागिरी दिखा रहा है ये खुले तौर पर सब जानते हैं, लेकिन एशिया में अमेरिका और भारत मिलकर चीन के दादागिरी खत्म कर देना चाहते हैं। लिहाजा G20 समिट के दौरान इस पर भी बात हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस वियतनाम को बेचने जा रहा है। आपके दुश्मन का जो नेबर होता है वो आपका दोस्त होना चाहिए, तो ये जो चाणक्य नीति को मेरे को लग रहा है कि भारत इस्तेमाल कर रहा है और चीन को एक मैसेज दे रहा है, अगर आप पाकिस्तान को हमारे खिलाफ आम कर सकते हो या हमारे खिलाफ पाकिस्तान को आम बेच सकते हो तो हमारे पास भी ऐसे मुल्क हैं जिनको कि हम हथियार देंगे जो कि आपको तंग कर सकते हैं। वैसे भी चीन पहुंचने से पहले पीएम मोदी वियतनाम गए
वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान वियतनाम के साथ डिफेंस डील भी हुई। वियतनाम इज अंडरगोइंग रैपिड डेवलपमेंट एंड स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया एंड इट्स 1.25 बिलियन पीपल स्टैंड रेडी टू बी वियतनाम्स पार्टनर एंड अ फ्रेंड इन दिस जर्नी। चीन G20 समिट में इस मुद्दे को इसलिए उठाना चाहेगा क्योंकि साउथ चाइना सी में अधिकारों को लेकर चीन और वियतनाम के बीच ठनी हुई है। समुद्र के इस हिस्से पर वियतनाम भी अपना हक जताता है, लेकिन चीन खुलकर अपनी दादागिरी दिखा रहा है। इसी दादागिरी को खत्म करने के लिए भारत इस छोटे देश को ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देकर उसकी हिम्मत बढ़ा रहा है और चीन को हिंदुस्तान का ये अंदाज बिल्कुल रास नहीं आ रहा। यही है ब्रह्मोस मिसाइल जिसे ए न्यू डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर वियतनाम ऑफ $500 मिलियन फॉर फैसिलिटेटिंग डीपर डिफेंस कोऑपरेशन। वैसे वियतनाम ही नहीं बल्कि भारत से वो बाकी देश भी इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं जिनका समंदर के इस टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील, फिलीपींस, मलेशिया शामिल हैं। 2006 में भारत ने दुनिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाना शुरू किया था, लेकिन आज अलग यह है कि भारत न सिर्फ अपने दम पर ब्रह्मोस बना रहा है बल्कि वियतनाम जैसे देशों को मिसाइल बेचने की सक्षम है। 15 और ऐसे विदेशी बाजार हैं जिनमें हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस की भारी मांग है। अगर भारत ने अपनी मिसाइलें बेचना शुरू किया तो जहां भारत आर्थिक तौर पर मजबूत होगा वहीं एशिया में चीन की दादागिरी खत्म होगी। चीन के हांगचू से कैमरा पर्सन सुरेंद्र रावत के साथ दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज़।